यू आर वेरी हार्डली वेलकम टू धिस धम से कोर्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये पहला ओरियंटेशन है कुछ ये नई बातें टीम के साथ डिस्कस करके सुशांत जी है और भी राजकुमार है मैत्री रत्न है आ, उत्तम है उनके साथ हमेशा ही टच में रह के कुछ बातें में या हम सब लोग साथ में डिस्कस करते पास टू बैचेस से एक ओरिएंटेशन का लेक्चर इंट्रोड्यूस किया हो सकता है मैं एक मॉडल भी लूं और बीच में आप सब लोगों को एक आधा इंटरक्टिव सेशन भी अरेंज हम कर सर से सो लेट्स सी हाउ दिस कोर्स इवॉल्व कैसे ये आ, जाता है कैसे प्रोग्रेस होता है लेकिन सबसे पहले सभी को फिर से मैं पुनश्च एक बार नए साल की शुभकामनाएं दूंगा एक शौर्य विजय दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और उसी स्पिरिट से माता सावित्रीबाई फुले के स्पिरिट से जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा की एक शुरुआत या जो एक पड़ाव उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में रखा वो एक क्रांतिकारी है वो एक मानवीय है एक अहिंसक है तो उसी स्पिरिट से हम इस या उनके आशीर्वाद से इस बैच को विशेष कर हम लेने की कोशिश करेंगे और मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने यह डिसाइड किया भले ही रिकमेंडेशन से हो भले ही आपने अनुभव सुने हो किन लोगों के आ, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैंने इस कोर्स में आना चाहिए तो आपने ये समय निकाला जब भी ये कोर्स एंड होगा उस तक आप एक कमिटेड दो तीन महीना आप देने वाले हो इस कोर्स को जैसे हमारे स्टूडेंट एक सेमिस्टर में पूरा कोर्स कर लेते हैं वैसा एक कोर्स है इस कमिटमेंट के साथ आप लोग आए हो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई भी देता हूँ बधाई मैं इसलिए भी देता हूं कि आपके माता पिताओं ने आपको एनकरेज किया होगा कि नहीं ये अच्छा है ये आप कोर्स कर लीजिए आपके मित्रों ने किया होगा आपके आपने सुना होगा या आप किसी को बुद्धिज्म में इंटरेस्ट भी हो, होगा उस टाइम से भी आप लोगों ने कोशिश की कि आप यह कोर्स को ज्वाइन हो तो इसलिए भी आ, मुझे खुशी है लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे यह है कि आपकी अपनी जो प्रेरणा है आपकी अपनी स्वयं या सेल्फ इंस्पिरेशन जो है आपका अपना कमिटमेंट जो है उस कमिटमेंट से आप लोग सब आ, इस कोर्स में जुड़े हो और आप सब लोगों में आपकी अपनी अच्छी मित्रता होगी आने वाले दिनों में एक आ, एक फैमिली करके आप धीरे धीरे महसूस करना शुरू करोगे और यह निरंतर जारी रखने के लिए भी आप लोग सहयोग करते हो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं अभी आ, अपने टॉक के तरफ रुख लूंगा <coughs> राजकुमार और सुशांत जी है इन सब लोगों ने आपको कल्पना दी है आप मोटे मोटे तौर पर जानते भी हो कि ये पिछले 22 सालों से ये 22वीं बैच है तो कम से कम 14-15-16 सालों से यह जो रेसिडेंशियल लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है यह प्रोग्राम हम लोग नागलोक या नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागलोक के तहत करते हैं इसके लिए काफी मेहनत लगती है पीछे बहुत सारी ऊर्जाएं एनर्जीज अभी ऑनलाइन होने की वजह से और भी अरेंजमेंट्स वगैरह लगती है तो इन सब मेहनत के बाद भी यह एक किस्सा जारी है उसका एक हिस्सा आप लोग बन रहे हो अभी तक कम से कम डेढ़ हजार से ज्यादा एल्यूमिनाइज इससे लाभान्वित हुए हैं और उनका जो एक नेटवर्क है उनका जो जो एक 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 की फैमिली है उसका भी आप अभी हिस्सा बनने जा रहे हो या बन चुके हो जब आप ये कोर्स फिनिश करोगे तो बन जाओगे तो यह भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट या एक ऐसे परिवार में जुड़ना जो पिछले कई सालों से इन विचारों को समझ रहा है गहराई से सोचने की कोशिश कर रहा है उसका आप एक हिस्सा बनोगे इसकी भी मुझे बेहद खुशी है तो आ, दो बातें। तो माइक ऑन है क्या अगर आप वीडियो ऑन रखोगे तो अच्छा है माइक ऑफ कीजिए थैंक यू आप सब लोगों को कम से कम पहले क्लास में मुझे देखना अच्छा लगेगा एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू सी योर फेसेस एंड नो हु जैसे कि सुशांत जी ने बताया कि इससे कोई आपको नौकरी कोई प्रॉमिस नहीं करता है या कोई आपको जॉब प्रॉमिस नहीं करता है इस प्रकार का यह कोर्स नहीं है दूसरी बात यह मैंने जो बोला था कि जो स्पिरिट माता सावित्री जी ने जो शुरू किया था उस स्पिरिट की भी मैं बात कर रहा था तो शिक्षा में या किसी भी धम्म सेखिया ही इसका नाम है धम्म मतलब धम्म क्या ही आप सुनोगे ही या जानोगे ही आने वाले महीनों में अलग अलग शिक्षक अलग अलग टीचर्स रिसोर्स पर्सन आपको आएंगे अपना अपना मॉडल पढ़ाएंगे उनकी अपनी अपनी शैली होगी वो सब आप सुनोगे और कोर धम्म क्या है धम्म के कोर इश्यूज क्या है उसके बारे में भी आप सब लोग जानोगे तो वह धम्म आप सीखोगे मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा धम्म सेखिया सेखिया मतलब सीखना कल आ, कल नहीं पिछले ओरिएंटेशन में मैंने बोला था कि सिक्खा पदंग कहते हैं ना सिक्खा पदंग समा सिक्खा मतलब शिक्षा क्ष जो होता है वो पाली में क ख हो जाता है तो वह सिक्खा जैसे भिक्षु कहते हम तो भिक्खु हो जाता है पाली में शांति चकमा जी भिक्खु शांति चकमा जी यहाँ है मैं उनको अभिवादन करना भूल गया आई एम वेरी हियर तो अः सिक्खा जो होता है वो शिक्षा लेना किसी भी बात को सीखना यह उसका मीनिंग होता है तो यह धम्मा शेखिया है धम्मा का एक एजुकेशन है और अगर धम्म है तो धम्म तो आप जानोगे ही लेकिन फिर जब सीखना है सीखा है सीखिया है यह सब शब्द है तो हमें यह भी समझना होगा कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है हुँ? एजुकेशन का मतलब क्या होता है और एजुकेशन का मतलब निश्चित ही एक, एक बहुत ही गहरा उसका मीनिंग है और मैं उसके ज्यादा संदर्भों में नहीं जाऊंगा केवल शब्द को थोड़ा समझाऊंगा बाबा साहब ने सबसे पहला मंत्र शिक्षा दिया है ना एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज उसमें भी बाबा साहब ने एजुकेशन है, शिक्षा बोला है और बाबा साहब यह भी कहते कि यह दुधारी तलवार है दोनों भी तरफ से इस तलवार को धार होती है और अगर हम सीखते हैं और अगर हम नीति या शिलों के साथ विनय के साथ अगर उसका उपयोग करते हैं तो उस शिक्षा को हम जनकल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए सभी के उद्धार के लिए सबके मुक्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन शिक्षा अगर विशिष्ट तबकों तक ही रही विशिष्ट जातियों तक विशिष्ट लिंगों तक विशिष्ट समुदाय तक ही रही तो फिर जो अशिक्षित वर्ग है एजुकेशन के तौर से उनका फिर भविष्य क्या होगा यह सबसे बड़ा सवाल निर्माण होता है तो एजुकेशन ने हमेशा ही या शिक्षा ने हमेशा ही इंक्लूसिव होना है इंक्लूसिव मतलब आत्मसात करना है उसको एक्सक्लूसिव नहीं रखना है कुछ लोगों को नहीं और कुछ लोगों को है हुं? ऐसा नहीं है वो विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए मैं बोलूंगा इसके बारे में इसका विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए तो शिक्षा प्रणाली या शिक्षा देने की जो तकनीकें तो बड़ी है टेक्नोलॉजी से आज हम सब लोग ऑनलाइन में हैं आप सब लोग कैमरा ऑफ कर सकते हो कैमरा ऑन कर सकते हो आज आप कैंपस में नहीं हो पहले जो क्लासरूम्स होते थे अभी वैसे क्लासरूम्स नहीं है टीचर स्टूडेंट के जो पहले अः क्या कहते हैं जो संबंध होते थे वैसे संबंध आज उतने दिखाई नहीं देते हैं और कुछ हद तक वो प्रशंसनीय है कुछ हद तक नहीं भी है प्रशंसनीय इस हद से है कि टीचर शुड बी अ फ्रेंड जैसे सुशांत ने बताया बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि मैं डायरेक्टर हूँ या मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ ये बात अलग है लेकिन मैं आपका मित्र भी हूँ और मुझे लगता है दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टू रिकोग्इज कि एक मित्र होना बहुत जरूरी है सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट तो शिक्षक और छात्र में स्टूडेंट में जो रिलेशनशिप है वह इंक्लूसिव और इक्वेलिटी की होनी चाहिए लेकिन एजुकेशन का ही इतिहास अगर हम देखते हैं तो मैं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको उसके जो रेफरेंसेस है या पॉपुलर रेफरेंसेस है जो सबको पता होंगे वो आपको पता ही है शम्बुक वध के बारे में राम ने शम्बुक का वध किया था क्योंकि उन्होंने आश्रम खोला था और वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्य नहीं था अमान्य था इसलिए राम को शम्भुक की हिंसा करनी पड़ी मारना पड़ा वो एक अलग विषय है आ, आ, अगर मैं किसी मॉडल को पढ़ाऊंगा तो शायद उसमें मैं उसका जिक्र करूंगा दूसरा उदाहरण हमें महाभारत से भी मिलता है आ, अर्जुन से भी भारी धनुर्धर कौन था एकल्य एकलव्य एकलव्य एक थे कर्ण 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 भी 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 था, आ, भी था। आ, लेकिन के ऊपर ऊपर उतने उनके पे ऑब्जेक्शन आए लेकिन कम से कम वो दरबार में आ सकते थे दरबार में रह सकते थे एकलव्य तो जंगल में रहते थे उनको वो भी अधिकार नहीं था लेकिन जब पता चला कि इसने भी शिक्षा हासिल की है तो अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना पड़ा तो ये जो उच्च निचता शिक्षा में हम जो देखते हैं ये प्रिविलेजनेस, सर्वाधिकार जो देखते हैं या किसी को अधिकार रखकर बात करने की शिक्षा जब होती है तो उसमें आ, आ, हमेशा ही वो शिक्षा सही में नीति पूर्ण है क्या नीतिमत्ता उसमें है क्या यह सवाल खड़ा होता है तो उसको उस स्पिरिट को हम सच्चा एजुकेशन बोले या ना बोले यह एक सवाल खड़ा होता है और यह स्वाभाविक है या ऑब्वियस है कि वो सच्ची शिक्षा का स्पिरिट या सच्ची शिक्षा की चेतना नहीं है इसमें इसको कहने में हमें कोई भी हिचकिचाहट या रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए फिर जब महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले या फिर आ, आ, जो भी तुकाराम थे कबीर थे ये जो एजुकेटर्स है ये जो बड़े बड़े महान शिक्षक है स्वयं बुद्ध है हुँ? आ, ये महान शिक्षकों के बारे में हम कैसे सोचे क्या इन्होंने वैसा भेदभाव किया क्या प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो संघ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अतिशूद्र और स्त्री आ, हिंसक वेश्या या फिर राजकुमारी या फिर प्रिंसेस या महारानी या राजा ये सभी प्रकार के लोगों को बुद्ध ने शिक्षा दी सभी स्तर पर उन्होंने ऐसा भेदभाव नहीं किया और वो समूचे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं दिखता है हुँ? ये इतिहास इस बात का साक्षी है इस बात की गवाह वो देता है जब आधुनिक समय पर शूद्रों के लिए पाठशाला खुली तब भी हमें पता चलता है कि माता सावित्रीबाई ने और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने पहली बार शूद्रों के लिए स्कूल खोले उनके लिए स्कूल खोले और दोनों ने मिलकर खोले और वो एक जनवरी को ही खोले एक जनवरी को ही पहली स्कूल खुली थी यानी आज से चार दिन पहले Uh, 1848 के आसपास कुछ तो भी ईयर है उसका मुझे अभी याद नहीं है तो अः uh, वहां पे फिर शिक्षा की कौन सी प्रणाली किस प्रकार की शिक्षा किस प्रकार का uh, uh, प्रशिक्षण किस प्रकार की भावनिक और मानसिक और uh, शैक्षणिक जरूरतें उन्होंने पूरी की और फिर उसका असर क्या हुआ फिर उसका असर क्या हुआ और उसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखोगे तो स्वयं बाबा साहब है केलुस्कर जी ने उनको किताब भी गिफ्ट दी थी एक एनकरेजमेंट उनको किया शायद किसी छात्र को पहली बार ऐसी किताब उन्होंने गिफ्ट की थी और आज बाबा साहब कहाँ है कहाँ गए और उन्होंने क्या हासिल किया कौन से मुकाम हासिल किए संविधान तो ही डाला जिसको लिखने की भी अनुमति नहीं थी पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी स्कूल के बाहर या पाठशाला के बाहर या क्लासरूम के बाहर उनको बिठाया जाता था ये सब आपको पता है आप बाबा साहब की जीवनी इस चार महीने में कोर्स में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए उसमें मेरी एक यानी दिली विनती है आप सब लोगों से बाबा साहब का चरित्र पढ़ लीजिए इस चार महीने में बिना भूले एक आपकी पर्सनल रीडिंग करके आप बाबा साहब का चरित्र पढ़ लीजिए वसंत मून जी ने छोटी सी किताब लिखी है धनंजय किर का इतना बड़ा किताब उठाने की जरूरत नहीं है तो धनंजय किर के किताब का साइज इतना है और वसंत मून के किताब का साइज इतना है तो ये भी आप पढ़ोगे तो बहुत है अः उतनी किताब वसंत मून जी की आप पढ़ लीजिए अगर पीडीएफ होगा अवेलेबल तो पोस्ट कर सकते हैं नहीं तो मिल जाएगी वो एमेजोन पे या कहीं पे भी खैर उनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए तो मैं उनके जीवन में नहीं जाऊंगा मैं ये इतना ही कह रहा हूं कि शिक्षा ने बाबा साहब के जीवन को क्या बनाया हुँ? और उसी लिए बाबा साहब ने शिक्षण क्यों दिया एजुकेशन क्यों दिया उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली सिद्धार्थ कॉलेज खोले अः और नागसेन वन उनको नाम भी उन्होंने सिद्धार्थ मिलिन नागसेन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऐसे नाम दिए केवल सुनकर हमें वो नाम परिचित हो सकते हैं लेकिन मुझे इसको धम्म सेखिया नाम अगर देना है तो मुझे सोचना है राइट right? मुझे सोचना है कि वो नाम क्या है मैं क्यों दूध धम्म सेखिया नाम या नागलोक नाम मैं क्यों दू आ, तो इसके पीछे एक विचार होता है तो वो सिद्धार्थ का स्पिरिट सीखने का वो मुंबई के बीचों बीच जो कॉलेज है सिद्धार्थ कॉलेज वहां जाए न और मिलिंद कॉलेज नागसेन और मिलिंद एक बहुत अच्छे संवादक थे संवाद करते थे डायलॉग करते थे उनमें वाद विवाद होता था वाद विवाद निगेटिव नहीं डायलॉग्स होते थे आर्गूमेंट्स होते थे और उनसे वो सीखते थे वो स्पिरिट बच्चों में आना चाहिए यह बाबा साहब की मनीषा थी इसलिए उन्होंने मिलिन और नागसेन ये दो नाम दिए अपने परिसर को और कॉलेज को तो फिर ये शिक्षा प्रणाली कौन सी है ये सीखना क्या है यह शिक्षा क्या है इसमें कल जैसे मस्केसर सर ने बोला कि ऐसे दो विचारधाराओं का संघर्ष हमेशा ही भारत के इतिहास में रहा है जो आज भी चल रहा है और वो आज भिन्न भिन्न प्रकार से आपके करीब आ रहा होगा उस वक्त अलग था आज दुनिया बदल चुकी है एजुकेशन के मायने बदल चुके हैं स्टूडेंट आ, टीचर के मायने बदल चुके हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के माहौल बदल चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उस विचारों को हम कैसे समझे ये हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौती है तो इसीलिए यह कोर्स उतना इम्पोर्टेंट है आप एम ए पी एच डी एम टेक एम बी बी एस या जो भी शिक्षा है वो कर लोगे लेकिन इस प्रकार का जो आत्मविश्वास है यह जो पर्सपेक्टिव है यह जो अप्रोच है यह जो विजन है अगर वो शिक्षा प्रदान नहीं करती है तो शायद उस शिक्षा के बारे में हमें सोचना होगा वो शिक्षा के जो मायने हैं वो शिक्षा के जो आ, क्या कह सकते हैं हम कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए या नहीं हुए यह हमारे सामने सवाल खड़ा होता है और ऐसी स्पेस भारत में कम है कम है और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि कम से कम आने वाले तीन चार महीनों में इस प्रकार का एक पर्सपेक्टिव आप लोग सीखोगे कि वाकई में एक एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है ऐसे कोर्सेस के मतलब क्या होते हैं ये केवल बुद्धिज्म अम्बेडकरिज्म या आइडियोलॉजी या विशिष्ट विचारों की बात नहीं है मुझे आशा है कि आने वाले शिक्षक इस पर्सपेक्टिव से इस, आ, 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 इसको मद्देनजर रखते हुए अपने मॉड्यूल्स को पढ़ाएंगे और मैं बीच में ही एक ऑफर भी करूंगा आपको कभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप सुशांत जी को उत्तम जी को या मात्री रत्न को टीम को आप लिखिए राजकुमार जी को लिखिए कि हमें कुछ इंटरेक्शन करना है तो आप अगर मुझसे कुछ सवालों के साथ मिलना चाहते हो मिडल ऑफ द कोर्स या इन बिटवीन कहीं पे भी तो एक सुबह या एक शाम आपके नाम हो सकती है <laughs> आप सब लोगों को uh, मैं मिल सकता हूँ आपके सवालों के साथ और जो भी डाउट्स होंगे अलग अलग टीचरों से अगर कुछ क्लैरिटी नहीं होगी तो ओरिएंटेशन के साथ साथ एक मिडल इंटरेक्शन का भी सेशन इस कोर्स में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैं मेरे भाई और जो बहन है टीम में उनके साथ में पहले बात करूंगा और उनके ही अनुमति से फिर हम आगे जाएंगे तो यह एक पहला पर्सपेक्टिव या अप्रोच धम्म सेखिया का है दूसरा शब्द महत्वपूर्ण शब्द मैंने इस्तेमाल किया सेखिया जो मैंने बताने की कोशिश की एजुकेशन एजुकेशन एक ग्रीक और लैटिन रूट से आता है एड्यूको 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 का मतलब होता है कि आई लीड आई 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 टेक ओवर आई आई ट्रेन एड्यूको एडिकुट भी कहते हैं लैटिन में उसको इसका मतलब होता है मैं अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा हूं या कर रही हूं मैं अपनी जो जिम्मेदारी है आई ट्रेन आई लीड यानी मैं अपने आप को लीड कर रहा हूं मैं ही लीड कर रहा हूं कैसे लीड कर रहा हूं जो मुझे ट्रेनिंग मिलती है जो मुझे एजुकेशन मिलता है उसको उस उ, उस आ, उसके द्वारा या उसके कारण मैं अपने आप को लीड कर रहा हूं I train, I grow भी होता है उसका मतलब कि मैं बढ़ रहा हूं मेरी बढ़ोतरी हो रही है रूट मीनिंग ऑफ एड्यू को उससे ही एजुकेशन शब्द आया है हुँ? तो आ, ये एंशियंट ग्रीक में था एंशियंट इंडिया में भी जब बुद्ध ने पाना पाता वेरमनी सिक्खा पदंग सिक्खा और पदंग ये दो शब्द आते समाधियामी शीलों में और ये शील में क्यों आया तो ये दो कनेक्शन भी जानना जरूरी है सिक्खा मतलब सीखना जो मैंने पहले ही बताया पदंग मतलब फीट पाद पाद बुद्ध पाद कहते ना पैर और हमारा शरीर किसके ऊपर खड़ा होता है पैरों के ऊपर तो पैर का मतलब क्या हुआ फाउंडेशन वो न्यू है आपका सारा जो अस्तित्व है वो पैरों के ऊपर खड़ा होता है दैट इज अ फाउंडेशन किसी से हम बात करते हैं चलते हैं हम अपने जीवन को जो कैरी करते हैं और आ, अब आ, कुछ लोग दूसरे प्रकार से उनको आ, अदर क्वालिफाइड कहते हैं विकलांग नहीं करते है, कहते हैं हम उनको जो चल नहीं पाते उनको भी व्हील के ऊपर या कुछ बैसाखी लेकर चलना होता है तो कुछ ना कुछ हमें फाउंडेशन या एंकरिंग होनी होती है अपने अस्तित्व को ले जाने के लिए या कोई भी हो सफर तो करता है ना ट्रेन में हो बस में हो बाइक पे हो कार में हो व्हील्स लगते हैं तो वो गाड़ी के पहिए कहते हैं ना पहिए मतलब पैर हुँ? उनका वो फाउंडेशन जिसके ऊपर कोई भी व्हीकल चलती है आसमान में अगर एरोप्लेन भी उड़ता है तो उसको भी पहियो की जरूरत होती है तो, तो दैट इज अ फाउंडेशन नहीं? वो है पदंग और शिक्षा मतलब शिक्षा यानी मैं उसके ऊपर खड़ा होता हूं उस ट्रेनिंग के ऊपर आई एम सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग ओवर मैं उसके ऊपर निर्भर हूं आश्रयित हूं यह उसका अर्थ होता है और एंशियंट इंडिया या जहां तक बौद्ध धर्म की बात है उसको शील कहा गया है शीलों शीलों के साथ उसको जोड़ा गया है तो यह भी एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है बुद्ध की कैसे कि बुद्ध ने शिक्षा को सबसे पहले नीति से जोड़ा लेकिन यह उस वक्त उतना स्पष्ट नहीं था बुद्ध के वक्त और हमने लाख-लाख धन्यवाद देना चाहिए बाबा साहब को इस डॉक्टर अंबेडकर हु इज अ मैन हु रिलेट एजुकेशन विद द नीति या धम्मों को भी नीति के साथ रुतायुष ने कल के अपने यानी इनोग्रल टॉक में वो बोला है धम्म को नीति के साथ जोड़ा यानी धम्म से किया जो हम सीख रहे हैं उसको हमने शीलों के साथ जोड़ना है तो यह शील जो है यह भी पंचशील में सिक्खा पदंग पंचशील में आता है शिक्षा के साथ उसका शील के साथ शिक्षा का संबंध है और वो शील करेक्ट नहीं रहे इसलिए एकलव्य को अंगूठा देना पड़ा या शंभुक को अपनी जान गवानी पड़ी क्योंकि वो शील के साथ जुड़ा नहीं है या जो शील के साथ जुड़ा है वो शील उनके धर्म शस्त्र के साथ जुड़े हुए है कि ऐसा करना है वो उनके लिए शील है या जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो काफिर होते हैं वो उनके जो सैकड़ टेक्स्ट पवित्र ग्रंथ होते हैं उसके साथ जुड़े हुए जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा शील को अगर धर्म के साथ हम जोड़ते हैं और वो अगर मुक्ति प्रदान देने वाले नहीं रहे धर्मशील अगर है धर्मशील अगर है धर्म की नीति यही है धर्म शास्त्र अगर यही कहते हैं तो ये सभी शब्द तो समान लगते हैं, लेकिन उनके मायने उनके मीनिंग्स अगर हम नहीं जोड़ पाते हैं, उनको अगर समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इस प्रकार की शिक्षा किसी शूद्र ने ली या स्त्री ने ली तो वो मान्य नहीं नहीं है ऐसा बौद्ध धम्म नहीं नहीं सोचा इसीलिए यह धम्म है ऐसा ऐसी शिक्षा हम लेते हैं जिसका फाउंडेशन इक्वेलिटी हो समता हो जिसका फाउंडेशन फ्रैटर्निटी हो बंधुता हो जिसकी न्यू लिबरेशन हो मुक्ति हो फ्रैट लिबर्टी हो यह शिक्षा का सबसे बड़ा डिपार्ट या क्या कहते हैं उससे हम जुदा होते वैसे सोच से और शील किसी ने पूछा कि शील क्या है शायद आई एम श्योर आने वाले आ, आ, दिनों में हम कह सकते क्या करो आ, आप अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं इसके बाद इंटरेक्शन जब करूंगा तो उसमें आप मुझे सवाल पूछिए चैट बॉक्स में भी रखिए क्योंकि चैट बॉक्स से वो इरेज हो जाता है तो लिख कर भी आप अपने नोटबुक में रखिए मुझे सवाल पूछिए इसके बाद मैं उस सेशन में आपको रिस्पॉन्ड करूंगा लेकिन मेरे फ्लो में जो मुझे डिलीवर डिलीवर करना है आज लेट मी जस्ट दैट और आप अपने नोट्स लीजिए और मुझे सवाल पूछिए उसके बाद तो शिक्षा का यह जुदाई शिक्षा के अर्थ की यह जुदाई या यह जुदा होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हायरक ना हो वो किसी जन्म जात या वर्ण या लिंग के आधार पर वो ना दी जाए ये सबसे बड़ा डिपार्चर हम शिक्षा में या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम आ, हम करते यह एजुकेशन का मीनिंग है कि इसलिए मैं आई ट्रेन आई लीड अब जैसा राम को पता था धर्म या जैसे उनके शास्त्रों ने उन्होंने बताया वैसे ही उन्होंने अपने आप को लीड किया वैसे ही उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया जिस प्रकार द्रोणाचार्य की शिक्षा थी या उसके धर्म ग्रंथों से उनको जो लीड करना था वैसा ही उन्होंने एकलव्य को लीड किया कि वो नहीं हो सकता है उस प्रकार किस प्रकार के धर्म ग्रंथ हम सीखते हैं, किस प्रकार का धम्म हम सीखते हैं किस प्रकार की मोरालिटी या किस प्रकार की नैतिकता नीतिमत्ता हम सीखते हैं वैसे ही हम अपने आप को लीड करेंगे इसलिए धम्म को सीखना जरूरी है ऐसे नीतिमान शीलवान धम्म को सीखना जरूरी है जब हम सीखेंगे वैसे ही फिर हम अपने आप को लीड करेंगे दैट इज द एजुकेशन ये धम्म सेखिया सिखाता है यह धम्म सेखिया पढ़ाने की कोशिश करता है दैट इज द मीनिंग ऑफ धम्म सेखिया कि हम क्या सीखते हैं और आ, मैंने ये बताया है कि ये दो परंपराएं थी एक श्रमणिक और ब्राह्मणिक श्रमणिक परंपराओं में आपने देखा महाश्रमण या श्रमण श्रेष्ठ बुद्ध को कहते हैं तो एक बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो पांचवे सप्ताह में बुद्ध को एक ब्राह्मण ने चैलेंज किया उनका नाम था हूहुंक जाति और उन्होंने उनको सवाल किया कि हु गेव यू राइट टू अटेन एनलाइटनमेंट व्हाट मेक्स अ ब्राह्मीण ब्राह्मण होने का मायना क्या होता है हुँ? और आ, उसका मतलब यह था कि आपको निर्वाण या संबोधि प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया यह उसका सबटेक्स्ट था तो बुद्ध ने जवाब दिया न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती बामनो कमुना वसलो होती कमुना होती बामनो न मतलब नहीं जच्चा मतलब जन्म न जच्चा वसलो मतलब छोटा जन्म से कोई छोटा नहीं होता न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती बामनो तो जन्म से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता कमुना वसलो होती कर्म से ही कोई नीचा होता है कमुना होती बामनो कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है या अगर आप अपने आप को महान समझ रहे हो तो आप अपने कर्म से हो जन्म से नहीं तो आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है इसलिए आपको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है या फिर जो भी आपके लिए लिबरेशन के मायने हैं उसका अधिकार है ऐसा नहीं संबोधि प्राप्ति या निर्वाण का अधिकार सभी को है यह बुद्ध का स्टेटमेंट था तो इसका मतलब जैसे जैसी आपकी सोच होगी जैसी आपकी नीतिमत्ता होगी उसी प्रकार से आप अपने आप को लीड करोगे आप अपने आप को ट्रेन करोगे और वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जो शीलो से होती है शील नथिंग बट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कैसा हम के साथ बर्ताव अपने आप को कैसे ढालें यह एक ट्रेनिंग है उसका उसका अर्थ होता है शील द वे आई एक्ट द वे आई बिहेव कैसा मैं और के साथ पेश आता हूं हु? यह उसका अर्थ होता है तो यह है शील का मतलब और यह है आपके सोच की ढलन यह होती है आपकी सोच सोच वैसे आपकी ढलती है तो ब्राह्मणिक परंपराओं में जन्म के आधार पर ही आपको काम कम या फिर आपकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते थे आपके योग्यता के आधार पर नहीं आपके वर्थ के आधार पर नहीं वैसे देखा जाए तो आ, अर्जुन और कुछ हद तक करने से भी ज्यादा योग्य धनुर्धर तो एकलव्य थे लेकिन उनके जन्म के कारण वो सम्मान वो वो जो सेलिब्रेशन जो उनको मिलना चाहिए था उस टेक्स्ट में वो नहीं मिला बल्कि उनको पनिशमेंट मिली तो उस प्रकार से ब्राह्मणिक परंपराओं में शिक्षा के मायने थे वैसे श्रमणिक परंपराओं में नहीं थे जिसका उदाहरण मैंने अभी अभी आपको बुद्ध के संबोधि के पश्चात पांचवें सप्ताह में जो है उसको दिए तो ये सबसे बड़ा शिफ्ट ये सबसे बड़ा बदलाव या अंतर बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति के पश्चात तुरंत किया उनके उदान है जिन्होंने अपने आप को कहे अब यह सब क्या है उदान क्या है यह सब आप आने वाले कोर्सेस में आप सीखिए अपने टीचरों से कि अपने आप के जो स्वयं स्फूर्त जो शब्द होते हैं उनको उदान कहते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं तो बुद्ध कुछ कहते थे लेकिन वो अपने आप को बोला लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को पहला विधान अगर बुद्ध ने कुछ बोला होगा तो वो यही है जो मैंने अभी बताया किसी थर्ड पर्सन को या बुद्ध के अलावा संबोधित प्राप्ति के पश्चात पहला व्यक्ति अगर कोई मिला तो उनको उन्होंने यह विधान किया जो जो शिफ्ट जो एक नई रचना एक नया विजन एक नया अप्रोच शिक्षा के बारे में और जीवन के बारे में समाज के बारे में सभ्य समाज के बारे में देता है हुँ? यही पहली यानी गाथा या वर्ष या विधान बुद्ध का था तो यह बदलाव या यह फर्क हमें करते आना चाहिए तो मैं यह ऐतिहासिक परिमाण या संदर्भ आपको इसलिए दिए कि बाबा साहब की यही मेथड थी तो बाबा साहब के परिवर्तन की मेथड क्या है इस सोच को बदलना डिस्पोजिशन ऑफ माइंड लिख लीजिए डिस्पोजिशन ऑफ माइंड किसी भी दृष्टिकोण में बदलाव लाना यह बाबा साहब की मेथड है जैसा मैं सोचते आ रहा हूं या आ रही हूं जैसा मैं मानते आ रहा था या आ रही हूं वैसा ही मुझे मानना जरूरी नहीं है तो बाबा साहब का जो मेथड है बाबा साहब की जो टेक्निक है पेड़ागोगी है वो फोर्स नहीं है वो किसी के ऊपर दबाव लाना नहीं है किसी के ऊपर इंपोज करना नहीं है या किसी को हर्ट करना नहीं है बाबा साहब की शिक्षा प्रणाली की मेथड क्या है कि आप में बदलाव आना चाहिए जिन किसी ने भी आप अक्सर यूपी में मैंने ये देखा है या नॉर्थ इंडिया में बी करते हैं ना लोग बहुत सारे बी के बाद या एम के बाद बी बहुत ज्यादा लोग करते हैं एजुकेशन में ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैंने भी एम को कुछ कोर्सेस पढ़ाए थे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन मैंने पढ़ाया है एक फंडामेंटल शिक्षा एजुकेशन की है कि यू शुड बिकम अ बेटर पर्सन अक्सर यह बोला जाता है आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए आप एक इंक्लूसिव या शिक्षित व्यक्ति बनने चाहिए अब यहाँ शिक्षा होने का मतलब पीएचडी लेना या प्रोफेसर बनना या डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही नहीं है वो है एक फॉर्मल एजुकेशन का वो एक हिस्सा है इसलिए उनको जॉब मिलता है या ये होता है वो एक उसका इकोनॉमी या मार्केट या उसके फायदे जरूर है और होने भी चाहिए निश्चित होने चाहिए लेकिन उसके साथ साथ यह जो नैतिक शिक्षा है ये जो मॉरल एजुकेशन है वह भी होना जरूरी है वो नहीं रहा तो वो अच्छा इंजीनियर या बुरा इंजीनियर भी हो सकता है वो अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर भी हो सकता है वो अच्छा वकील या बुरा वकील भी हो सकता है वो अच्छा प्रोफेसर या बुरा प्रोफेसर भी हो सकता है ये फॉर्मल एजुकेशन के लिमिटेशन है लेकिन जिन लोगों ने जिसको ट्रू एजुकेशन कहते हैं वाकई में जो शिक्षित लोग हैं उनको अगर हमें सुनना है या समझना है तो उनके साथ नीति भी जुड़ी होती है मोरालिटी भी जुड़ी होती है उनका शील भी जुड़ा होता है और वो बुद्ध का उदाहरण ले लीजिए बुद्ध से आप शुरू कीजिए नागार्जुन तक आइए यानी आचार्य नागार्जुन तक या फिर आप जो भी आ, आ, संत हुए तुकाराम हुए हैं बसवन्ना हुए है या फिर आ, एकना एकनाथ हुए कबीर जी हुए रहीदास हुए आ, या अकमा देवी हुई हु? मंटे स्वामी हुए जो भी है इन सब लोगों ने भी शिक्षा दी है लेकिन कबीर जी के पास पीएचडी थी क्या नहीं थी रहदास जी के पास पीएचडी थी क्या नहीं थी बुद्ध के पास पीएचडी थी क्या नहीं थी लेकिन वो पीएचडी से पढ़े उनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब के पास पीएचडी थी ठीक है लेकिन बाबा साहब ने बोला आई एम अ मैन ऑफ कैरेक्टर लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास डिग्रियां हैं, लोग मुझसे इसलिए डरते क्योंकि मैं शिलवान हूं मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही आचरण करने की कोशिश करता हूं और बाबा साहब ने अपने जीवन में यानी एक भी उनका एक्ट ऐसा नहीं है एक भी उनका कर्म ऐसा नहीं है जिसको हम अकुशल या निगेटिव या करप्टेड कह सकते हैं ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया उन्होंने किसी की हिंसा ही नहीं की उन्होंने सारी लड़ाई कानूनी शिक्षा और विचार से लड़ी है उन्होंने किसी को आ, किसी के ऊपर हमला करने के लिए प्रवोक नहीं किया उन्होंने किसी के मारने के प्लॉट नहीं बनाए हैं गांधी की हत्या का प्लॉट हुआ वो उन्हीं के ही विचारों के लोगों के द्वारा हुआ जबकि गांधी और अंबेडकर में मतभेद थे लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाया तो शिक्षा के साथ जब नीति जुड़ती है तभी वो सच्चा एजुकेटर हो सकता है आज के दृष्टिकोण में हमें सीखना है क्योंकि जो आर्थिक परिस्थितियां जो जॉब की परिस्थितियां उसको लेने के लिए हमें एक फॉर्मल एजुकेशन लेना जरूरी होता है लेकिन यहाँ पे महात्मा फुले जी का जीनियस आता है महात्मा फुले जी ने शिक्षा को दो हिस्सों में डिवाइड किया एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल फॉर्मल जो बी एम ए पी एच डी बी एम ई एम टेक या फिर एल एल बी एल एल एम या फिर एम बी बी एस एम डी वगैरा वगैरा जो आप सीखते हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन है और महात्मा फुले जी ने इनफॉर्मल एजुकेशन को भी इतना महत्व दिया उन्होंने जब पाठशालाएं खोली तो उनका रजिस्ट्रेशन क्या था उनको कौन सी डिग्रिया दी या उनको कौन से दसवीं पास की डिग्री दी या बारहवीं पास की डिग्री दी या एम दिया या बी दिया यह सब के ऊपर इससे भी महत्वपूर्ण काम उन्होंने उनको सबसे पहले सीखना पढ़ना बोलना सिखाया वो इनफॉर्मल एजुकेशन अगर नहीं होता तो शायद जो शिक्षा के द्वारा सावित्रीबाई फुले और महात्मा जी, फुले जी ने जो क्रांति लाई उस क्रांति का जो नीव या शिरोमणि क्राउन जिसे कहते वो शायद बाबा साहब भी नहीं रख पाते इसलिए बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु माना कबीर जी को अपना गुरु माना बुद्ध को अपना गुरु माना गुरु किसको मानते जो अप, आपको बाबा साहब बनाएगा या जो आपको एकलव्य बनाएगा किसको गुरु मानोगे आप यह सवाल खड़ा होता है हम उसी को गुरु मानेंगे जो हमें बाबा साहब जैसा बनाएगा जो हमसे अंगूठा नहीं मांगेगा जो हमें हमारे जाति या जन्म के आधार पर हमारी जान नहीं लेगा और वो शिक्षाएं हमें देकर हमें बाबा साहब जैसा आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाएगा अपने आप को पैरों के ऊपर खड़ा होना सिखाएगा वही माँ का काम होता है ना माँ बच्चे को पैर पर खड़ा होना सिखाती है ना उंगली पकड़कर वही शिक्षा है जो बुद्ध ने किया जो सभी बौद्ध जो मास्टर्स थे उन्होंने किया और बाबा साहब ने किया बाबा साहब उसका एक उच्चांक है एक शिरोमणि है हुँ? उन्होंने हमें अपने पैरों के ऊपर अपने आत्मविश्वास के ऊपर खड़ा रहना सिखाया तो यह फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जरूरी है तो यह धम्म सिखिया का दूसरा भी एक महत्वपूर्ण अप्रोच है कि हमें उस प्रकार की नीति मूल्य एक इनफॉर्मली हमें ट्रेन होना है ताकि मैं अपने आप को वैसा लीड कर पाऊं वैसा मैं अपने आप को सोच पाऊ तो यह इस प्रकार का विचारों में बदलाव आपके सोच में बदलाव आपके मायने में बदलाव करना जरूरी है तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा शिक्षा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्वयं बुद्ध से आया है जिसे मैं कालाम स्पिरिट कहता हूं स्पिरिट ऑफ कालामाज़ इसलिए कालाम आपको कभी ना कभी पढ़ाया जाएगा ये मेरे सारे शब्द आने वाले दिनों में आपको अधिक स्पष्ट होंगे कालाम स्पिरिट मतलब कालाम एक गांव था जहां पे लोग संभ्रमित थे कि सही शिक्षा क्या है किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और एक बार जब कालाम सूत्र में इसका जिक्र आता है और आई एम श्योर कि जो फैसिलिटेटर्स है वो आपको इस बात से फैसिलिटेट करेंगे वो आपको जरूर ये सारे सूत्र या पढ़ाई देंगे रीडिंग मटेरियल देंगे लेकिन आपका काम है उसे पढ़ना केवल सीखने का मतलब सुनना नहीं होता है आप अभी सुन रहे हो उससे कुछ विचार आपके बदल रहे होंगे लेकिन आपको भी मेहनत करनी है कोई आपके तरफ चल के आ रहा है तो आप भी उसके तरफ चल कर जाइए यह शिक्षा होती है हुं? तो कालाम स्पिरिट में वैसे ही कालाम बुद्ध के तरफ जब बुद्ध कालामों के तरफ चल के गए तो कालाम भी बुद्ध के तरफ चलकर आए और उन्होंने पूछा कि कोई ऋषि मुनि आते हमें बताते हैं कि इसके ऊपर विश्वास करो उसके ऊपर विश्वास करो ईश्वर को मानो ईश्वर को मत मानो आप जो परंपराएं कह रही है उसको मानिए इस शास्त्र का पठन कीजिए उस शास्त्र का पठन कीजिए यह सब वो लोग बताते हैं तो हम संभ्रमित है बुद्ध कि हम क्या करें तो बुद्ध ने उनको जवाब दिया मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मुझे मेरा समय बचाना है तो बुद्ध ने यह कहा कि इसलिए मत मानो के परंपराएं कह रही है इसलिए मत मानो कि कोई ऋषि मुनि कह रहा है इसलिए मत मानो के कई सालों से यह चलते आ रहा है इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं और इसलिए भी मत मानो कि कोई धर्म ग्रंथ या धर्म शास्त्र उसे कह रहे हैं इसलिए भी मत मानो कि उसे मैं कह रहा हूं ऐसा बुद्ध ने कहा मैं कह रहा हूं इसलिए भी उसे मत मानो हम्म मेरे शब्दों को या जो भी आप सुन रहे हो उसको आप अपने अनुभव के ज्वाला पर रखिए जिस प्रकार सुनार सोने को रखता है और आपके अनुभवों को वो मेल खाते हैं तो उसको मानिए टेस्ट माय वर्ड्स एज इफ द गोल्ड स्मिथ टेस्ट द गोल्ड ऑन द फायर लाइकवाइज टेस्ट माय वर्ड्स ऑन द फायर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस फायर शब्द है उस अनुभवों के अग्नि पर उसको जांचिए। उसका मतलब क्या हुआ आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए उसके तीन स्टेप्स है उसका इन्वेस्टिगेट करना ये लिखिए आप जो मैं कह रहा हूं ये तीन स्टेप जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले उसका परीक्षण करना उसको उसकी चाचनी लेना उसको जांचना कि ये ठीक है या नहीं है किसी ने मुझे कुछ भी पीने के लिए दिया मैं पी लू ऐसा नहीं मुझे उसको परखना पड़ेगा कि ये है क्या तभी मैं उसको प्राशन करूंगा और आप आप खाना खाते हो आप सब लोग कोई भी चीज अगर आपको खाने लायक नहीं लगी तो उसका टेस्ट कहां होता है जीवा पर होता है सो योर टंग इज अ फिल्टर टू योर बॉडी बहुत कड़वी चीज या अटपटी सी चीज ले तो वो आप थूक देते हो तो हमारी बॉडी भी किसी चीज को टेस्ट किए बगैर खाना अंदर नहीं लेती ये साइंटिफिक है ये है, ये है कोई जानवर भी यानी ये ये किसी चीज को या मोबाइल को नहीं खाएगा वो वो जो खाने लायक ऑर्गेनिक चीज है उसी को खाएगा दिस इज साइंटिफिक इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तो ये मेरे शरीर चलाने के लिए तो ठीक है मेरे शरीर को चलाने के लिए तो ठीक है लेकिन मेरे मन को मैं कैसे चलाऊं जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन में क्योंकि आपकी मानसिकताएं क्या कर सकती है ये मैंने पहले जो उदाहरण दिए द्रोणाचार्य के और राम के उससे मैंने आपको बताने की कोशिश की, की मानसिकताएं क्या कर सकती है और आज की मानसिकताएं जब वो धर्मांध हो जाती है तो फिर वो क्या करती है वो भी हम समझते इसलिए उसको देखना है उसको समझना है उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है जो अच्छा है उसे लेना है जो कुशल है जो नीतिमत्ता है उसको लेनी है नीतिमत्ता मतलब जो लिबरेटिव है इंक्लूसिव है मुक्ति प्रदान करती है उसको लेना है न? तो वो है इन्वेस्टिगेशन दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन मतलब उसको आपके अनुभव तक ले जाकर उसको टटोलना चाचनी तो कर ली वो बौद्धिक हो गई इंट्रोस्पेक्शन भावनिक है इन्वेस्टिगेशन इंटेलेक्चुअल हो सकता है बौद्धिक हो सकता है कारण मीमांसा से हो सकता है लेकिन उसका इंट्रोस्पेक्शन भावनिक मीमांसा से होता है हुँ? भावनिक होता है क्योंकि हमारे अंदर केवल इंफॉर्मेशन का ड्राई या शुष्क ज्ञान नहीं है हमें उसको अंदर से अपने भावनाओं तक जोड़कर उसे समझना है उसको अंडरस्टैंड करना है ठीक है तो इंट्रोस्पेक्शन भावनिक होता है वो जज्बात आपके कैसे हो रहे क्या मैं अग्रेसिव हो रहा हूं क्या मैं द्वेष से भर रहा हूं क्या मुझे यह प्रवोक कर रहा है कि नहीं यही है ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए ऐसी राजनीति होनी चाहिए यही मेरी जाति श्रेष्ठ है ये तो सब चमार या दलित या महार या भंगी ऐसे है क्या मेरी नीति या मेरा धर्म का या मेरे दिए हुए शिक्षा का इन्वेस्टिगेशन मुझे प्रवोक कर रहा है या मुझे वो लिबरेट कर रहा है या मुझे वो सबके साथ जोड़ रहा है या मुझे औरों के साथ करुणावान बना रहा है या मुझे औरों के साथ प्रज्ञावान बना रहा है शीलवान बना रहा है उनके साथ मानवीयता का व्यवहार करना सिखा रहा है यह है इंट्रोस्पेक्शन जो भावनिक स्तर पर होता है हुँ? ये महत्वपूर्ण है ये ये दूसरा उसका एस्पेक्ट है और तीसरा उसका एस्पेक्ट है इन साइटफुल एक्सपीरियंसेस तीसरा आय है इनसाइटफुल एक्सपीरियंसेस मतलब क्या आपको कुछ साक्षात्कार हो रहा है क्या आपके अनुभवों को आप जब जांच रहे हो तो आपको क्या कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है क्या क्या मैं एक नया व्यक्ति बन रहा हूं क्या क्या मैं एक नया पर्सपेक्टिव अपने जीवन के ऊपर ले रहा हूं क्या क्या मैं उसे समझ पा रहा हूं कि यह सीखकर मुझे ये एक नई चीज मुझे प्रदान हुई है तो एजुकेशन आपके आपके अः शिलो को नीतिमत्ता को बनाता है वो यानी वो आपके इंटेलेक्ट को रीजन को भी बनाता है बुद्धिमत्ता को बनाता है वो आपके चित्त को भी बनाता है यानी भावनिक आपके मन को भी ढालता है और वैसी है फिर दृष्टि यानी इनसाइट आपको प्रदान होती है तो ये तीन उसके स्टेप्स है ये उसके तीन महत्वपूर्ण आयाम है और बुद्ध एंड इस धम्म अगर आप पढ़ोगे हुँ? सुना इस किताब का नाम धर्मा जो बाबा साहब ने किताब लिखी है बाबा साहब इस तीन घात की बात करते हैं शील घात अगर शील नहीं रहा तीन घात की बात करते हैं तीन डेंजर्स थ्री डिस्ट्रक्शन अगर हमने ठीक से सोचा नहीं तो वो है शील घात पहला है शील घात शील अगर गलत हो गया तो फिर आपका चित्त घात होगा आपका मन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आपका शील अच्छा नहीं रहा तो इसलिए पंचशील या आपका जो झूठ बोलना है हिंसा करना है सेक्सुअल मिसकंडक्ट है अडल्ट्रेशन है दारू पीना है झूठ बोलना है ये शील के अंदर आता है अगर वो घात हो गए तो निश्चित ही आपसे उसका मन भी घात हो जाएगा शील घात भी हो जाएगा और शील घात अगर हुआ तो आपको इनसाइट भी आपकी घात हो जाएगी दृष्टि घात भी हो जाएगा ये तीसरा डिस्ट्रक्शन है शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। ये तीन प्रकार के डिस्ट्रक्शन आपके अंदर होंगे अगर उस प्रकार का विजन उस प्रकार की दृष्टि उचित अगर नहीं रही सम्यक अगर नहीं रही इसलिए आर्याष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सम्यक दृष्टि आता है दृष्टि को ठीक करना है वो इंसाइट आपको नहीं आएंगे और अगर वो इंसाइट नहीं रहे तो फिर आप द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक बनोगे या फिर हम मैं प्रोफेसर हूं मैं टीचर हूं मुझे ही ज्ञान है इस अहंकार से हम भर जाएंगे वो अहंकार नहीं होना है उस अहंकार को शिक्षा ने नष्ट करना है तो ये तीन घातों की बात बाबा साहब बुद्ध एंड इस में करते हैं यह हमें समझना है उस दृष्टिकोण से एजुकेशन क्या है एक प्रोसेस है एक एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप आज सम्मिलित हो रहे हो उस प्रक्रिया में आज आप प्रवेश कर रहे हो आने वाले तीन चार महीनों तक उस प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश कर रहे हो यह केवल शील क्या है बुद्ध कौन है धर्म क्या है फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर वगैरह वगैरह जो आर्यिक मार्ग क्या है केवल इतना ही जानना नहीं है उसके एप्रोच को उसके दृष्टि को उसके, उसके इनसाइट को समझना है किसी भी मॉड्यूल को आप पढ़िए इन तीन घात से हमें बचना है एजुकेशन ने हमें वो प्रदान करना है धर्म सेखिया ने हमें वो प्रदान करना है हमारा शीलघात ना हो शील घात ना होने से हमारा चित्तघात ना हो चित्तघात ना हो से ना होने से हमारा दृष्टिघात ना वो एक्सपीरियंस से हमारा यानी आपका जो इंसाइट है वो एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए आपके अनुभव तक आपके शिक्षा ने पहुंचना है ऐसा नहीं है कि ये टॉपर हो गया लेकिन ये दलित टॉपर है ये आई तो बन गया लेकिन ये दलित ऑफिसर है ये प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन ये दलित प्रेसिडेंट है कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो ये दलित चीफ मिनिस्टर है एजुकेशन ने वो स्टिग्मा वो प्रिजुडिस निकालना है वो जाति मूलक हो लिंग मूलक हो या जन्म मूलक हो या मूलक हो रेस मूलक हो देश मूलक हो हु? वो टेंडेंसी प्रिजुडिस शिक्षा ने दूर करना है तो ये महत्वपूर्ण है हमें समझना आखिरी पॉइंट में बोलूंगा इस ओरिएंटेशन में बाबा साहब की कुछ बातें मैं बताऊंगा बाबा साहब ने करियर को या एजुकेशन को केवल करियर से नहीं जोड़ा शिक्षा को उन्होंने केवल करियरिस्टिक नहीं रखा केवल नौकरियां मिलने के तक सीमित नहीं रखा शिक्षा आपको बाबा साहब ने केवल नौकरी करने के लिए भी नहीं दी ये भी आप ध्यान में रखिए या रहेगा रिकॉर्डेड टॉक जो भी उसे सुनेंगे उन्होंने यह समझना है केवल इंजीनियर बनने के लिए बाबा साहब ने इंजीनियर बनने का प्रावधान नहीं किया केवल मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए बाबा साहब ने एमबीबीएस में कुछ रिजर्वेशन की प्रावधान होंगे वो नहीं किए या केवल प्रोफेसर बनकर ज्ञान झाड़ने के लिए आई एम सॉरी टू यूज दैट बट दैट्स वॉट यू अंडरस्टैंड केवल ज्ञान बांटने के लिए आपको प्रोफेसर नहीं बनाया है शिक्षा में हमेशा ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपी हुई है आपका प्रतिनिधित्व और आपकी जिम्मेदारी छुपी हुई है तो वो केवल करियरिस्ट होना ही शिक्षा है ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो बाबा साहब खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको त्यागा बाबा साहब ने ऐसी कई और नौकरियां भी की उनको भी उन्होंने त्यागा बाबा एक बहुत बड़े वकील थे बहुत उच्च कोटि के वकील थे केवल प्रैक्टिस में मेरे एजुकेशन से मैं एल एल बी एल एल हूं उससे मैं पैसा कमाऊंगा केवल उतना ही उद्देश्य बाबा साहब ने नहीं रखा और बाबा साहब यहां तक कि वो संविधान लिखकर कानून मंत्री भी बन गए इन सब पदों से उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया क्यों दिया क्योंकि शिक्षा का जिम्मेदारी से संबंध है शिक्षा का आपके नीति से शीलों से संबंध है वो अगर पूरा नहीं हो रहा है तो केवल पैसा कमाने के लिए ही मैं अपना एजुकेशन ले रहा हूं ऐसा नहीं होना है आज लोग अमेरिका हो, जाके सेटल हो गए लंदन में जाके सेटल हो गए उन्होंने अपने पैसे कमाए या आज ऑफिसर्स बन के या प्रोफेसर्स बन के या फिर जो डॉक्टर्स बन के या इंजीनियर बन के बड़े बड़े पदों पर जाकर वो सेटल हो गए सभी लोग ऐसे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं हु? लेकिन अगर वो मुड़कर अपने समाज के ऊपर तरफ अपने आप के तरफ अपने भाई बहनों के तरफ अगर नहीं देखते हैं तो शायद वो स्वार्थी शिक्षा हो गई और इसलिए आगरा में चौपन या पचपन में बाबा साहब ने क्या कहा था इनफैक्ट रोकर कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया मैं ये समझता था कि पढ़ लिख कर ये लोग अपने समाज की सेवा करेंगे या जो लोगों को शिक्षा नहीं मिली है उनको शिक्षा मुहैया कराएंगे लेकिन मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया वैसा पढ़ा लिखना हमें वैसा पढ़ना लिखना हमें नहीं और ये इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने कहा आप स्वयं बहुत पैसा कमाओगे और केवल अपने आप के लिए खर्च करोगे तो आप भी खुश नहीं रहोगे अगर आपने वो दान या किसी और के बारे में कंसेंस नहीं है अगर दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं है आपके रिसोर्सेस का तो वो भी सुखदायी नहीं है और ये स्वयं बुद्ध से आता है बुद्ध ने बुद्धत्व केवल अपने पास रखा क्या वो अस्सी आयु के 80 साल तक घूमते रहे लोगों को बताते रहे पैदल पैदल जाकर कि ये पढ़िए ये जानिए इससे आपको मुक्ति मिलेगी वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो शुद्र हो या स्त्री हो उन सबको बुद्ध ने मुक्ति प्रदान की बाबा साहब ने पढ़ लिख कर वो केवल अपने घर बनाते रहे और अपने बंगले बनाते रहे और लाइब्रेरी सजाते रहे क्या रात दिन उन्होंने काम किया कॉलेजेस बनाए संस्थाएं बनाई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई कामगारों की संस्थाएं बनाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए स्वयं टॉक्स दिए स्वयं जाकर मैनिफेस्टो लिखे संविधान बनाया नेताओं से मिले तो ये सारे काम बाबा साहब ने किए एजुकेशन का उन्होंने जितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है उतना अच्छा इस्तेमाल उतनी बड़ी मिसाल बाबा साहब ने हम सबके सामने पेश की एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते तो यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का आपके जिम्मेदारी से संबंध है यह बाबा साहब कहते दूसरी बात बाबा साहब कहते कि लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन इज डेंजरस लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन इन एजुकेशन इज डेंजरस शिक्षा में अगर नीतिमत्ता नहीं पढ़ाई गई तो वो घातक साबित हो सकती है यह बाबा साहब ने कहा इसलिए नीतिमत्ता सीखना जरूरी है और फिर दूसरा स्टेटमेंट बाबा साहब देते हैं कि एंशियन आइडियल्स ऑफ दिस कंट्री इम्पोज इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑन आवर पीपल यानी जो प्राचीन आदर्श हमारे सामने रखे गए शिक्षा के प्रणालियों में या कुछ ही लोग शिक्षा लेंगे कुछ ही लोग वेद पढ़ पाएंगे बाकी लोग वेद नहीं पढ़ पाएंगे या शिक्षा का अधिकार उनको नहीं है ये एंशियंट आइडियल्स ने हमारे लोगों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण किया है एक न्यूनगंड निर्माण किया है कि मुझे लगता है यार मैं पढ़ा लिखा तो हूं लेकिन मुझ में वो बात नहीं है जो उसमें और उसमें कास्ट एरो जो ब्राह्मण लड़का या लड़की होगी कोई क्षत्रिय लड़का या लड़की होगी या कोई इलिट क्लास से आने वाले लड़के या लड़कियां होंगी उनके तुलना में जब हम क्लासरूम में इंटरव्यू में जॉब में यूनिवर्सिटीज में दफ्तरों में जब हम इंटरैक्ट होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो इंफेरियरिटी होती है वो इंफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उस एंशियन मॉडल ने इम्पोज किया है ऐसा बाबा साहब कहे फिर बाबा साहब ने एक पत्र लिखा था जो 1946 में कुछ स्टूडेंट्स का कन्वेंशन था उसमें बाबा साहब ने संदेश भेजा था वो जान ही पाए थे 1946 नागपुर की बात है तो उन्होंने एक पत्र में संदेश दिया था कि लेट माई स्टूडेंट नो आर नो इंफीरियर टू एनी मेरे छात्राओं को मेरे बच्चों को ये बताओ कि किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो कमजोर या इंफेरियर नहीं है मुझे केवल एक सेकंड का समय दीजिए आ मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ तो बाबा साहब ने वो संदेश भेजा था कि मेरे छात्राओं को या बच्चों को ये बताओ कि वो किसी भी तरीके से इंफीरियर नहीं है कमजोर नहीं है या उनमें आत्मविश्वास का अभाव नहीं है ये उनके पिछले संस्कारों से आया है उनको ये बताओ कि वो उतने ही कैपेबल है उतने ही वो पोटेंशियल है जितने अन्य समाज के छात्राएं हैं वो प्रतिभाएं उनमें उभरे इसके लिए उन्होंने बाबा साहब ने इंस्पिरेशनल मैसेज दिया था यानी आप सोचिए कि इतना उच्च कोटि का व्यक्ति छोटे छोटे सूक्ष्म बातों को कैसे बता रहा है कैसे समझा रहा है दैट इज अ ट्रू जॉब ऑफ एजुकेटर वो सच्चा एजुकेशनिस्ट वो सच्चा शिक्षक करता है वो आपका अंगूठा नहीं मांगता है ना ही वो आपकी हत्या करता है ना ही आपको जाति या लिंग के आधार पर नीचा दिखाता है वो आपको उभारता है वो आपको एलिवेट करता है वो आपको बेटर पर्सन बनाता है वो आपको एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है एक सच्चा इंडिविजुअल बनाता है एक मुक्त होने का मार्ग दिखाता है न? वो सच्चा शिक्षक है वो बाबा साहब ने बुद्ध ने काम किया है तो आखिरी बात बाबा साहब ने फिर ये कही कि अगर शिक्षा हमेशा ही उच्च वर्णियों को दी जाएगी जो जाति विश्वास या जाति व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते तो वो जाति व्यवस्था को मजबूत ही करेंगे जाति व्यवस्था में उच्च वर्णियों को अगर केवल शिक्षा आप दोगे तो वो जाति व्यवस्था को मजबूत करोगे करेंगे लेकिन शिक्षा अगर निचले तबकों तक पहुंचेगी ये लोग अगर शिक्षित होंगे तो फिर इसको वो समानता में लाने की कोशिश करेंगे वो उनके जैसे ही होने की कोशिश करेंगे तो इसलिए एजुकेशन जो सोकॉल्ड so या तथाकथित निचले तबकों के जो लोग हैं, उनको मिलना बेहद जरूरी है ये बाबा साहब ने कहा तो यह बहुत जरूरी है समझना कि एजुकेशन तो बहुत लोगों को मिलता है लेकिन उन लोगों को मिलना बहुत जरूरी है जो लोग उच्च निचता के ऊपर विश्वास नहीं करते अब जिनको ऊंच निचता बरकरार रखनी है वो लोग हमेशा ही नहीं चाहेंगे कि जो लोग ऊंच निचता के ऊपर विश्वास नहीं रखते उनको एजुकेशन ना मिले क्योंकि अगर उनको एजुकेशन मिल गया तो वो बाबा साहब बन जाएंगे फिर वो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे और ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है सभी ब्राह्मण जाति व्यवस्था को नहीं मानते सभी उच्च वर्णीय जाति व्यवस्था को मानते ऐसा नहीं है। या सभी निचले तबके के लोग जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं ऐसा भी नहीं है इसीलिए आपके मानसिक अवस्था के ऊपर ही यह निर्भर करता है इसलिए बाबा साहब ने बोला कास्ट इज ए नोशन ऑफ माइंड जाति आपकी एक मानसिक धारणा है यह समझना जरूरी है तो आज आप देखोगे मैं उस लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहता लेकिन समझने के लिए ऐसे कई दलित पॉलिटिशियंस है जो जाति व्यवस्था को मानकर ही अपना पॉलिटिक्स करते और ऐसे कई उच्च वर्णीय पॉलिटिशियंस है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ पॉलिटिक्स करना चाहते या वो जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते तो यह समझना बहुत जरूरी है तो इस प्रकार का अप्रोच इस प्रकार का पर्सपेक्टिव हमें राइट स्टेट ऑफ सोसाइटी सही लोगों को मिलना चाहिए यह धम्म सिखिया का विजन है यह धम्म सिखिया का अप्रोच है और मुझे लगता है इस प्रकार से एक नई दृष्टि एक नया आयाम धर्म शिक्षा से हमें मिले जिसको बाबा साहब ने एक नवयान बोला है जो एक नया व्यक्ति घटता है एक मुक्त मानव बनता है नई संस्कृति को निर्माण करता है एक नए सभा समाज को नए सभ्य समाज को वो निर्माण करता है नए राजनीति को वो जन्म देता है नए इकोनॉमी को वो जन्म देता है एक नए व्यक्ति को वो जन्म देता है उस नवयान को उस नवयान के स्पिरिट को धम्म सेखिया अपनाता है धम्म सेखिया उसको समझता है उस बाबा साहब के दृष्टि से ही हम इस एप्रोच को इस कोर्स को हम लेते हैं समझते हैं, जिसमें निश्चित ही ध्रचारिणिया और भी जो धम्म की जो बारकाइया हैं, जो संरक्षित ने बताई है उसको वो समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ के समाज संस्कृति और पॉलिटिक्स और राज आ, आ, आर्थिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हमें उस प्रकार से इन शिक्षाओं को समझना जरूरी है उसी में ही हमारा उद्धार है उसी में ही हमारी मुक्ति है उसी में ही हमारा एक सच्चा व्यक्ति बनने की प्रक्रिया छुपी हुई है उस प्रक्रिया में आप सम्मिलित होइए उस प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश कीजिए बार बार आप सवाल पूछिए मिलिए फिर से मैं दोहराऊंगा कि आप सबको मैं इस कोर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले दिनों में आपका यह कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग के अलावा अगर आप मिलना चाहे टीम को या टीम के साथ, तो मैं बीच में कभी ना कभी आप सब लोगों को एक इंटरक्टिव सेशन में मिलना चाहूंगा कि आपका कोर्स कैसे चल रहा है अः कौन सी कठिनाई आपको आ रही है उसके लिए मैं सुशांत जी मैत्री रत्न राजकुमार सारी उत्तम जी सारी जो टीम है वो टीम आपके साथ है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू वेरी मच इस uh, टॉप को सुनने के लिए इस ओरिएंटेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा मुझे लगता है सो थैंक यू वेरी मच नमो बुद्धाय जय भीम